गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्पोकन इंग्लिश की वर्कशीट में सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में आपको मैच द अपोजिट्स, ये वर्ड्स हैं और ये इनके अपोजिट्स हैं, मतलब विपरीतार्थक, तो आपको ये मैच करने हैं। FAIR फेयर मतलब अच्छा, TALL टॉल मतलब लंबा, OUTSIDE आउटसाइड मतलब बाहर, INTERESTING इंटरेस्टिंग मतलब रोचक, जिससे हमें कुछ रुचि मिलती है, FAT फैट मीन्स मोटा। अब इधर के देखिए जो इनके अपोजिट्स हैं, INSIDE इनसाइड मतलब अंदर, DUL मतलब नीरस, जो चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, जो काम, SHORT शॉर्ट मतलब छोटा, SLIM स्लिम पतला, BORING बोरिंग मतलब बेक, जैसे बोरिंग इसमें कोई रुचि ना हो, और डल जो था वो डल हमारा होता है नीरस, मतलब बुरा काम, जैसे एक तो होता है अच्छा काम, एक होता है डल मतलब बुरा। तो आप इनको मैच करेंगे खुद से। राइट द प्लूरल, इनके प्लूरल आपको लिखने हैं, सी समुद्र, सी का सीज, WOMAN वुमेन, वुमेन का आप वुमेन्स नहीं करेंगे, वुमेन होती है एक औरत, वुमेन का हम क्या कर देंगे, WOMEN वुमेन मतलब बहुत सारी औरतें, यहाँ पे एक ही जगह ई हो जाएगा। MAN मैन मतलब एक आदमी, और इसका प्लूरल होगा MEN मैन मतलब बहुत सारे आदमी। CLF कॉफ मतलब बछड़ा होता है जो गाय का, और इसको हम क्या करेंगे, CAL जब हमें जहाँ पे सिंगुलर में F होता है और हमें इसका प्लूरल बनाना होता है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा F को हटा के VES ये लग जाएगा, तो क्या बन गया, काव्स बछड़े। क्लास, क्लास का हमारा क्या होगा, क्लासेस, क्लास लिखने के बाद उसके पीछे ES और आप लगा देंगे। शिप, ये आपको ध्यान रखना, जो शिप होती है भेड़, उसका प्लूरल भी हमेशा शिप ही होता है, उसमें ना S लगेगा ना ES लगेगा, शिप का शिप ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, प्लूरल भी शिप होता है और सिंगुलर भी। ट्री पेड़, इसमें एस लगेगा, ट्रीज, बर्ड बर्ड्स, एक्सिस कुल्हाड़ियाँ। चाइल्ड का हम क्या लिखते हैं, चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्रन, चाइल्ड एक बच्चा और चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे, मतलब ये इसका प्लूरल है। ऐसे वुल्फ में देखिए पीछे एफ है, तो हम क्या कर देंगे, वुल्व्स, जैसे हमने काफ में किया था, तो क्या हो जाएगा, वुल्व्स। वाइफ, वाइफ का क्या होगा, वाइव्स, वाइफ मतलब एक पत्नी और वाइव्स बहुत सारी पत्नियां, इसका प्लूरल होगा, तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, आज बी से स्टार्टिंग वर्ड मीनिंग है, BIT बिट, बिट मतलब अंश, अंश मतलब बिल्कुल छोटे से भी छोटा जो टुकड़ा होता है। BLAME ब्लेम मतलब दोष या दोष देना, BLESSING ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, BLIND ब्लाइंड मतलब अंधा, BLOCKED ब्लॉक्ड मतलब अवरुद्ध या बंद, BLOSSOM ब्लॉसम मतलब विकसित होना, BLOW ब्लो मतलब आघात चोट, BODYGUARD बॉडीगार्ड मतलब अंगरक्षक, BONES बॉन्स मीन्स हड्डियाँ, BOOKED बुक्ड मतलब आरक्षित करना, जैसे हम रूम बुक करते हैं या टिकट बुक करते हैं ट्रेन वगैरह में या इस तरह से, BOUNCED बाउंस्ड मीन्स उछलना, BOUNDS बाउंस क्या होते हैं, बंधन,
BRIDE, ब्राइड मीन्स दुल्हन। BRANCH, ब्रांच शाखा, जैसे पेड़ की शाखा भी हो सकती है, या फिर जैसे बैंक होता कोई, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, या तो उसकी अनेक शाखाएं, मतलब उस अनेक ब्रांच होती है उसकी, जैसे यहाँ पे भी है और मान लीजिए और कोई जगह है वहाँ पे भी है वही सेम, तो वो उसकी क्या हुई, ब्रांच। BREA के ब्रेक मीन्स अवकाश। BRIC के ब्रिक मतलब ईंट। इनको आप लिखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू।